अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को इबादत का है, दुआ इबादत का फेल है, बल्कि बाद हदीस में मुखुल इबादा, इबादत मगज है, दुआ मगज है इबादतों का, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सतून है, अल्लाह की इबादत करने में अल्लाह को बड़ा पसंद है। एक आम फहम मिसाल दे के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, आपका एक वालिद हो, एक वालदा हो, आप हर वक्त उसकी तारीफ करते रहें और बाप आवाज दे, बाप आवाज दे, आप लब्बैक के, बाप आवाज दे, आप उसको जूती पहनाएं, बाप आवाज दे, आप उसकी एक एक बात को मानते हो, और फिर कभी आप अपने बाप से 10 रुपए मांग लें, 20 रुपए मांग लें, ये मफहूमन समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके बाप के जेब में ना भी होंगे, चाहे उसको आसमान से तारे तोड़ के लाने पड़े, अगर वो बेटे से राजी है, बेटे से खुश है, और बेटा वो लफ्ज नहीं कह रहा जो अल्लाह के लिए बंदा कहता है, बंदा क्या कहता है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, बंदा तो अल्लाह के बारे में ये अल्फाज कहता है। क्या कोई बच्चा अपने बाप के बारे में प्यार के, मोहब्बत के ये अल्फाज कह सकता है? नहीं कह सकता। ज्यादा से ज्यादा, जी मेरे बाबा, बाबा मैं हाजिर हुआ, लब्बैक, बाप की जूतियां सीधी कर रहा है। एक दिन 10 रुपए की जरूरत पड़ गई, बाप से मांगा, अब बताएं बाप की कफियत क्या होगी उसको 10 रुपए देने के लिए? अगर जेब में होंगे उसी वक्त देगा, और अगर ना होंगे तो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा, अपने बेटे के लिए पैसे लेके आएगा। आपने अल्लाह के बारे में क्या समझा कि अल्लाह से आपने कोई चीज की गुजारिश की है, कोई चीज की दरख्वास्त की है? किसके साथ? पहले हमद बयान की है, फिर दुरूद पाक पढ़ा है, फिर सुबहान अल्लाह कहा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कहा है। अल्लाह को इतनी तारीफें करने के बाद अल्लाह को कहा, अल्लाह मुझे 10 लाख दे दे, अल्लाह मेरी फलां परेशानी दूर कर दे। यहां पे बाप की जेब में हो तो बाप तो फौरन दे दे, और जिसके पास कुल कायनात के खजाने हैं, तुझे किसने वहम डाला हुआ है कि वो अता नहीं करेगा? तुझे वहम है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जिमन में मुझे और आपको समझाने के लिए एक हदीस बयान कर दी कि हो सकता किसी के दिमाग में मुगालता हो, मेरी ये जरूरत बहुत बड़ी है, अल्लाह के पास शायद ये चीज मौजूद नहीं है, अल्लाह शायद ये अता नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आदम और उनके तमाम बेटे, आदम और उनके तमाम बेटे, हजरत आदम से लेके क्यामत तक, इस वक्त दुनिया में 7 अरब इंसान इस वक्त मौजूद हैं, हर 100-100 साल में अगर इतने इतने इंसान मौजूद रहे हैं, आप उनकी आबादी का हिसाब लगा दें, पहले के एतबार से कम भी होंगे, आइंदा क्यामत तक कितने इंसान आने हैं, अरबों खरबों इंसान दुनिया में आ चुके हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आदम से लेके क्यामत तक जितने इंसान पैदा होने हैं वो एक कतार में खड़े हो जाएं, और आदम आए तुम्हारे रब के खजानों में। तुम क्या समझते हो तुम्हारा रब तुम्हारी मुश्किलात दूर नहीं कर सकता, मुसीबतें परेशानियां दूर नहीं कर सकता? तुमने अपने रब से लगाई नहीं, लो तुमने अपने रब के सामने हाथों को फैलाया नहीं है। वो आके क्या मांगे आदम, आदम आके अल्लाह को कि अल्लाह जमीनों आसमान में जितनी भलाइयां हैं, जितने खजाने हैं, जितने रिजक हैं, जितनी मखलूकात हैं, फायदेमंद नफेमंद मुझे ही अता कर दीजिए। अल्लाह ताला आदम को जमीन और आसमान के सारे खजाने, सारी नफेमंद चीजें, सारी भलाइयां अता कर दे। आदम का दूसरा बेटा है यही कहे, तीसरा है यही कहे, अल्लाह अता करता चला जाए। आदम के सारे बेटे क्यामत तक पैदा होने वाले ये अल्लाह से मांगते चले जाए और अल्लाह देता चला जाए। हदीस के अल्फाज हैं, जब आखिरी बेटा भी मांग के फारग हो, अल्लाह उसको भी आदम ही जितना अता कर दें, यानी हर एक को उतना अता करते चले जाएं। तो अल्लाह के खजानों में इतनी कमी वाकया नहीं होती जितनी तुम सुई समुंदर में डबोते हो और उसको निकालते हो, उसके ऊपर एक कतरा लगा होता है, वो कतरा जब समुंदर से जुदा हो जाता है तो समुंदर में कितनी कमी वाकया होती है, तुम्हारे रब के खजानों में उतनी भी कमी वाकया नहीं होती। फिर भी किसी और से मांगना,
फिर भी दर दर की ठोकरें खानी है, फिर भी किसी के आगे रकू करना है, फिर भी मखलूकी की इबादत करनी है। मेरा रब वो है जिसने कहा जब बंदा नादम होके, नादम होके, चाहे गुनाह करता हो, पिछले जुम्मे आपके सामने रखा, नादम होके या अपनी जरूरत के लिए, नादम हुआ हो तब भी अपनी जरूरत के लिए हाथों को उठा दे। ये हाथों को उठाना सही हदीस से ये क्या अंदाज है? इसका मतलब ये है अल्लाह तेरे दर के मंगते हैं, तेरे दर के भिखारी हैं, अल्लाह इन हाथों में खैर को डाल। जब बंदा हाथों को उठा लेता है तो तुम्हारा रब इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है, उसको ये हाथ खाली लुटाते हुए हया आती है, चाहे बंदे के अमल जैसे भी क्यों ना हो। इस बंदे ने मेरे सामने हाथ फैला दिए, मैं तो अता करने वाला हूं, किससे मांग रहा है? मैं रब से, और मैं इसके हाथों को खाली लुटा दूं? यह मुमकिन नहीं है। यह आपको वसवसा है, हमारी दुआएं नहीं सुनी जाती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बहम यह इश्काल भी दूर फरमा दिया कि बंदे की दुआएं उस वक्त तक कबूल होती रहती हैं जब तक वो जल्दी नहीं करता और ये लफ्ज नहीं बोल देता, मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। ऐ बंदे, ये क्यों कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तक बंदा ये नहीं कहता मेरी दुआएं कबूल नहीं होती तब तक उसकी दुआ सुनी जाती है, लेकिन जब बंदा ये ऐलान कर देता मेरी दुआ नहीं सुनी जाती तो उसकी फिर दुआ नहीं सुनी जाती। इसकी वजह क्या है? कभी गौर किया इस हदीस पे? इसकी वजह यह है, तूने तो खुद इलाह का, अल्लाह का इनकार कर दिया, तूने तो अल्लाह के बारे में यह गुमान कर लिया कि अल्लाह देता नहीं है, अल्लाह सुनता नहीं है, और जिसकी रब नहीं सुनता फिर गली गली फिरता रहे, फिर दर दर की ठोकरें खाता रहे, जितने मर्दी वसीले वास्ते डालता रहे। जिसकी रब ने नहीं सुननी उसकी कोई नहीं सुन सकता। हदीस के ये भी अल्फाज मौजूद हैं, पूरी दुनिया जमा हो जाए एक बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक बंदे को, पूरी दुनिया जमा हो जाए एक बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए, और अल्लाह ताला अगर उसकी हिफाजत करना चाहे तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और तू अपने मुंह से ही कह देता मेरी सुनी नहीं जाती, अगर रब ने नहीं सुननी तो फिर किसने सुननी है? ये वहम ये इश्काल भी आज के बाद दूर कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे के ऊपर आपने गौर करना है, जब भी बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है, जब भी बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुछ मांग रहा होता है, वो अल्लाह को कहता है। मिसालन आपको समझाता हूं, ये मफहूमन है, हदीस का मफहूम ये है, एक बंदा दुआ करता है अल्लाह मुझे 1 करोड़ फलां तारीख को मैंने पेमेंट करनी है, अता कर दे, अल्लाह उसको अता कर देता है, और ये बंदा समझता है मेरी दुआ बड़ी उम्दा मानों में कबूल हुई। और हदीस का मफहूम ये है कि इस बंदे की नजर में ये दुआ का सबसे बेहतर नतीजा है और अल्लाह की नजर में ये दुआ का सबसे हल्का नतीजा है। एक बंदे ने 1 करोड़ मांगा, 10 करोड़ मांगा, 20 करोड़ मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया, बंदे की नजर में सबसे बेहतर नतीजा है और अल्लाह की नजर में सबसे हल्का नतीजा है। ये क्या बात हुई? ये बात ये है, अगर हदीस मुकम्मल पढ़ी जाएगी तो बात समझ आ जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक बंदे ने, मफहूम आपके सामने रख रहा हूं, 10 करोड़ तो मांगा उसको वो ना मिला, 20 करोड़ तो मांगा वो ना मिला, लेकिन यौम किताबत तकदीर में लिखा था इतने बज के इतने मिनट के ऊपर इस बंदे की अल्लाह ने दोनों आंखें ले लेनी है, इस बंदे का हाथ ले लेना है, इस बंदे का पांव ले लेना है। यौम किताबत तकदीर में, तकदीर की किताब के अंदर ये बात लिखी थी, इसकी आंख चली जाएगी। एक बंदे ने 10 लाख मांगा है, 1 करोड़ मांगा है, वो तो ना मिला, लेकिन किताबत तकदीर के अंदर, तकदीर में जो ऐसी बातें लिखी थी उनमें से एक बात यह थी कि उसकी आंख जाया हो जाएगी। अब आंख जाया न हुई और बंदे ने यह समझा कि मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं हुई, बंदे ने यह समझा मेरी दुआ कबूल ही नहीं हुई, मैंने तो 10 करोड़ मांगा हुआ है, मैंने तो 10 लाख मांगा हुआ, वो ना मिला, लेकिन अल्लाह ने बदले में आंख की सलामती अता कर दी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह के नजदीक पहले नतीजे से बेहतर नतीजा है,
और अगर आप गौर करें अपने ऊपर, बताइए आंख अच्छी है कि 10 लाख अच्छे हैं, 1 करोड़ अच्छा है कि दोनों आंखें अच्छी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये अनायत है। और ये जो योम किताबत तकदीर का बाब है, जिमनी तौर पे बात आई है, ये बाब बड़ा तवील है। बाद लोग कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताबत तकदीर में लिखा था दुआ अब की, वो मिटा दिया गया। सिर्फ एक जुमला कहूंगा और बात को आगे लेके जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये जो वक्त होता है ना, वक्त, ये जो वक्त है, ये जो गर्दिशे दौरा है, ये जो माहो साल है, ये मेरे और आपके लिए, ये सिर्फ मेरे और आपके लिए। ये मखलूकात को अल्लाह ने वक्त के अंदर पाबंद किया हुआ है। अल्लाह वक्त से मावरा है, अल्लाह का हर वक्त हाल चल रहा होता है। ये तेरा मेरा माजी हाल और मुस्तकबिल है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? जिस तरह आज की दुआ मांगने से किताबत तकदीर के दिन तकदीर बदली जा सकती है, उसी तरह अल्लाह तो इतना बड़ा है, अल्लाह की कुव्वत और ताकत और कुदरत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। अल्लाह को तो तब भी पता है कि इसने किस वक्त यह दुआ करनी है। गोया तकदीर लिखे जाने के अंदर भी इंसान के आमाल का हाथ होता है, तकदीर के लिखे जाने के अंदर भी इंसान के आमाल का हाथ होता है, क्योंकि अल्लाह वक्त की कैद से मावरा है। और इसी तरह आपकी दुआ ला या रुद्दुल कजा इल्लत दुआ, बताइए इस हदीस की तत्बीक यहां होती है कि नहीं? कजा को कोई चीज नहीं टाल सकती मगर दुआ के, दुआ कजा को भी बदल देती है, लिखी हुई तकदीर को भी बदल देती है।